आज हम बात करने जाएंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, जिसके सरबरा सजाद लोन है। ये पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि 1978 से रियासत जम्मू कश्मीर में वजूद में है। और पहले ये प्रो हुरियत थी, यानी प्रो आज़ादी थी, लेकिन बाद में सजाद लोन साहब ने प्रो इंडियन अप्रोच इख्तियार की और बहुत अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। तो इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आने वाले सालों में रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना सकती है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। म्यून मैंने उसने जो मेरे साथ किया है वो पूछे ही नहीं किए, वो पूछे म्यून खुदा, मैं अल्लाह तक रखता हूँ, मैं अब अल्लाह ताला की बारगाह में रखता हूँ ये, बिकॉज आई कुड नॉट डिफीट हिम। ही हैज मसल, ही हैज एवरीथिंग, वी ऑल नो व्हाट ही हैज। वो पूछते तो बिके, वो इंशाल्लाह चुस्त खुदा इस तरह। जम्मू कश्मीर में तो यूं हर एक इलेक्शन के मौके पर मुतअद्दिद पार्टियां वजूद में आती है, ताहम इलेक्शन खत्म होने के साथ ही ये पार्टियां भी दम तोड़ देती हैं। मौजूदा सियासी माहौल में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तारीख के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वजूद 1978 में आया, जब सज्जाद गनी लोन के वालिद अब्दुल गनी लोन और मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी ने इस पार्टी की बुनियाद डाली थी। जैसा कि आपको मालूम है कि मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी ने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर कांग्रेस और बिलाखिर उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, यानी उन्होंने रियासत की सभी बड़ी सियासी जमातों का मजा चखा। इनकी मौत 30 सितंबर 2014 को हुई। वापस आते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मौजू पर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सन 2014 तक हुरियत पसंद थी और हिंदुस्तान के सख्त खिलाफ थी, ताहम पार्टी के सरबरा सज्जाद गनी लोन ने 2014 में इलेक्शन लड़कर सबको हैरान कर दिया। और ताजुब की बात यह है कि पहली ही बार में उन्होंने दो सीटें भी हासिल की। जैसा कि आपको मालूम है कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। अगर यह आज़ादी मिले कौमस मीनस बुत हिंदुस्तान प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं आपको पीपल्स पार्टी की साबिका रिपोर्ट इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको तारीख का पसे मंजर वाजिया हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में बिलाशुबा रियासत में हुकूमत तश्कील दे सकती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मरकजी बीजेपी हुकूमत चट्टान की तरह सज्जाद के साथ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सज्जाद लोन के साथ करीबी ताल्लुकात है। अगर आप जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख उठाकर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे वो लोग इख्तदार या पावर में आ गए जो दिल्ली के करीब थे। जब दिल्ली को कश्मीर में कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो इसको खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कश्मीर के कद्दावर लीडर जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी दिल्ली की चालों के आगे टिक नहीं सके। फिर उनके फर्जंद फारूक अब्दुल्ला को भी कई बार दिल्ली की चालों के सबब कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनको 1990 में जगमोहन को रियासत का गवर्नर मुकर्रर करने पर 6 साल तक इख्तदार छोड़ना पड़ा, लेकिन दिल्ली कहां मानने वाली थी। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद यूनियन होम मिनिस्टर थे और उन्होंने जगमोहन को कश्मीर लाकर ही दम लिया। दिल्ली के ही इशारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत हुई और 1984 में गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत गिरा दी और खुद इख्तदार संभाल लिया। ये बात भी काबिले जिक्र है कि लोग जिनमें रॉक के साबिका सरबरा अमरजीत सिंह दुलत शामिल है ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2002 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीत कर कांग्रेस के साथ और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी तो फारूक साहब काफी नाराज थे और उन्होंने कहा अब दिल्ली वाले खुश हुए होंगे क्योंकि बकौल उनके पीडीपी का क्याम दिल्ली की मर्जी से ही हुआ था ताकि रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा खत्म किया जा सके। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आने वाले सालों में रियासत में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि इसे मरकज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मरकज की बीजेपी हुकूमत एनसी और पीडीपी से उकता गई है और वो रियासत में तीसरे महाज को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे पीडीपी ने महज 16 सीटें जीत कर 2002 में हुकूमत बनाई थी, ठीक उसी तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी चंद सीटें हासिल करके हुकूमत बना सकती है। और रियासत के गवर्नर ने कैसे मुस्तकबिल की खबर देकर कहा था कि श्रीनगर का नया मेयर बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता होगा, इस बात का सबूत है कि रियासत में कुछ भी मुमकिन है।
پیپلز کانفرنس ایک اہم سیاسی قوت بن کر سامنے آئی ہے جس کو اچھی میڈیا کوریج بھی مل رہی ہے اور ہندوستان کی سب سے بڑی ٹی وی چینل سجاد لون کو پرائم ٹائم شوز میں پیش کرتی ہے یہ سب بلا وجہ نہیں ہوتا ایک مخصوص سوچ کے تحت یہ سب چیزیں کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی نفسیات پر اثر ڈالا جا سکے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ سجاد لون بہترین آریٹر ہے اور بولتے بہت اچھا ہے ان کے جواب بالکل نپے تلے ہوتے ہیں سجاد لون اس وقت دلی کے پیارے بنے ہوئے ہیں اور آپ بالکل امید کر سکتے ہیں کہ دلی کا پیارا جموں کشمیر میں فائدے میں ہی رہتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز کانفرنس کے بانی مرحوم انصاری صاحب کے فرزند عمران انصاری نے بھی پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہے یوں لگتا ہے کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور دلی اب پی ڈی پی اور این سی سے بیزار ہو گئی ہے تو پیپلز کانفرنس ایک اہم سیاسی متبادل کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اور یہ بھی سوچئے گا کہ آج تک باقی پارٹیوں کو اتنی میڈیا کوریج کیوں نہیں ملی جتنی پیپلز کانفرنس کو مل رہی ہے اس بارے میں ذرا سوچئے گا آپ کو بھی حالات کا اندازہ لگ جائے گا